दोस्तों वेलकम टू पावर रेसर, मैं हूं आपका दोस्त हर्षित और आज हम बात करेंगे हुंडई की ऑल न्यू ऑरा के बारे में। ऑरा जो कि एक अंडर 4 मीटर कॉम्पैक्ट सेडान कार है, एक प्रीमियम इंटीरियर्स के साथ आ रही है, ऑल न्यू एक्सटीरियर लुक्स के साथ आ रही है जो कि आपको एक्सेंट में मिलते थे। अब ये सारे लुक्स आपको दिए जा रहे हैं नियोस के ऊपर बेस, जो कि ग्रैंड एटिन नियोस है। काफ़ी बढ़िया मार्केट रीच इसने ले ली है। इंटीरियर देखिए, इसमें ऑल न्यू आपको मिलने वाले हैं, बिल्कुल आपको नियोस से इंस्पायर्ड मिलने वाले हैं। आपको जो इंटीरियर में आइवरी शेड दिया जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और ऑरा में आपको मिल जाता है ऑल न्यू पेट्रोल इंजन, जो कि आपको एक्सेंट में 1200 सीसी का पेट्रोल इंजन और 1200 सीसी का डीजल इंजन मिलता था, जो कि अब आपको पूरे BS6 दिए गए हैं। वहीं इसमें हुंडई ने ऐड कर दिया है 1000 सीसी का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन, जो कि आपको देगा 100 BHP। ये इंजन सेम लिया गया है वेन्यू से, लेकिन इसको थोड़ा सा डीट्यून किया गया है जिससे कि इसकी माइलेज थोड़ी बढ़ जाए। बाकी इंटीरियर्स की जो क्वालिटी है वो आपको हुंडई के स्टैंडर्ड की मिलने वाली है, जो प्रीमियमनेस आपने ग्रैंड एटेन नियोस में देखी होगी। लेकिन ग्रैंड एटेन नियोस में आपको पूरी फैब्रिक सीट्स मिलती है। काफ़ी बायर्स कह रहे थे कि इसमें अगर लेदर का एडिशन हो जाता बहुत बढ़िया हो जाता, लेकिन हुंडई उसको नेक्स्ट अपडेट में देगी। काफ़ी सारे बायर्स ये भी देख रहे हैं कि एक्सेंट क्या डिसकंटिन्यू हो जाएगी, तो एक्सेंट अभी डिसकंटिन्यू नहीं होने वाली है। हुंडई एक्सेंट का प्राइम मॉडल लॉन्च करने वाली है, जैसे कि आपने डिज़ायर का देखा होगा टूर वेरिएंट, वही सेम हुंडई भी करेगी, जो कि सिर्फ कमर्शियल पर्पस के लिए किया गया है। तो आज हम देखने वाले हैं इस BS6 कॉम्पैक्ट सेडान के ऊपर क्या इसमें फीचर दिए गए हैं, और एक्सेंट से इसकी प्राइस को कितना बढ़ाया गया है, और ओवरऑल कैसा रखा गया है, इसको बूट स्पेस कैसा होगा इसमें। बाकी डिज़ाइन की अगर मैं बात करूँ तो ऑरा का जो डिज़ाइन है काफ़ी स्पोर्टी है, जैसे कि हमने ग्रैंड एटेन में भी देखा है। पूरा इलांट्रा की तरह इसमें फ्रंट में लुक दिया गया है, कोना से इंस्पायर्ड आपको देखिए इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसमें दिया जा रहा है, बहुत बढ़िया लगता है। की फॉब को हुंडई ने बिल्कुल चेंज नहीं करा है, जो आपको i20 में मिलती है, इलांट्रा में मिलती है, बिल्कुल सेम सी ही रखने की कोशिश की गई है। लेकिन हुंडई ने इसमें सबसे बड़ी खास बात यह करी है कि इसमें आपको ब्लू लिंक का सपोर्ट दे दिया है, जो कि ग्रैंड एटेन में कहीं ना कहीं मिसिंग था। वहीं आपको 1000 सीसी का इसमें टर्बो पेट्रोल इंजन भी मिल रहा है, जो कि इसको बहुत ही ज़्यादा एक स्पोर्टी सेडान बना देगा, और ये कम्पीट कर पाएगी आसानी से अमेज के साथ, फीगो के साथ। फीगो से तो काफ़ी अच्छे से कम्पीट कर लेगी ये, क्योंकि फीगो में भी आपको बहुत अच्छा ही परफॉर्मेंस मिल जाती है। बाकी ये देखिए इसके पूरा आप स्टेयरिंग को देख रहे हैं, स्टेयरिंग आपको वही ग्रैंड एटेन की तरह ही दिया जाएगा, उसमें भी बहुत बढ़िया फीचर है। और जो इसका सी पिलर होगा बिल्कुल आपको फ्लोटिंग डिज़ाइन में दिया जाएगा। बाकी इंटीरियर की ओवरऑल टोन की बात करें तो आपको आइवरी और ग्रे शेड का यूज़ इसमें देखने को मिल जाता है। बाकी ब्लू लिंक का आपको ऑल न्यू इसमें सपोर्ट दिया जा रहा है, तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है, जैसे कि आप अपनी गाड़ी को रिमोटली कंट्रोल कर पाएंगे। बाकी और जो दूसरे फीचर है इसमें, रिमोटली कंट्रोल करने के साथ साथ सेफ्टी को भी बढ़ा देगा, और अपनी गाड़ी की जो आप मॉनिटरिंग है ज़्यादा अच्छे तरीके से कर पाएंगे। लेकिन आप अब बात करते हैं सीधे इंजन्स की, क्योंकि इंजन से सबसे बड़ा टॉपिक है। तो मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा कि इसमें आपको दो पेट्रोल इंजन मिल रहे हैं और एक डीजल इंजन दिया जा रहा है, और ये भी अगर आप देख पा रहे होंगे ये आपको कहीं ना कहीं वेन्यू से इंस्पायर्ड मिलने वाले हैं, जो कि आप नियोस में देख ही चुके होंगे अभी। बाकी मैं आपको बताता हूँ, इसमें आपको नया 1000 सीसी का जो टर्बो पेट्रोल इंजन मिल रहा है वो आपको ट्राइड एंड टेस्टेड मिलने वाला है, जो वेन्यू में दिया जा रहा है, जो कि अच्छी माइलेज भी देता है और BS6 कंप्लाइंट भी होगा। 120 BHP तो अभी वो वेन्यू में हमें देता है, लेकिन 100 BHP बनाया जाएगा उसको ऑरा के लिए, जो कि थोड़ी और अच्छी माइलेज आपको दे देगा। और उसमें जो आपको लो एंड थोड़ा सा टर्बो लाइक फील होता है वो अब आपको बिल्कुल भी फील नहीं होने वाला है। वहीं टॉर्क भी इसका थोड़ा सा कम किया गया है, वेन्यू में आपको 178 BHP दिया जाता है, लेकिन ऑरा के लिए अभी हुंडई ने टॉर्क का फिगर डिस्क्लोज नहीं करा है। लेकिन पेट्रोल इंजन में आपको वही सेम मिलेगा, जो कि कापा सीरीज का 1.2 लीटर का VTVT पेट्रोल इंजन दिया जाता है, 82 BHP बनाता है अभी भी, और 114 NM का टॉर्क आउटपुट है। काफ़ी लीनियर पावर डिलीवरी है इस इंजन की, लेकिन माइलेज में थोड़ा सा पीछे रह जाता है। डीजल भी आपको सेम मिलने वाला है, 1.2 लीटर का डीजल इंजन, 74 BHP और 190 NM का टॉर्क आउटपुट है। आपको सारे ही इसमें 5 स्पीड ट्रांसमिशन मिलेंगे, टर्बो इंजन के साथ भी आपको सिर्फ 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन दिया गया है। बाकी ऑटोमेटिक की बात करें तो 4 स्पीड का ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन है, जो कि मारुति यूज़ करती है। बाकी सेकंड रो की सीट्स और ये आपको ग्रैंड एटेन नियोस से थोड़े ज़्यादा मिलेंगे ऑरा के अंदर। बाकी ऑरा काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन गाड़ी है। अगर आप बात करेंगे एक्सेंट की, तो एक्सेंट में आपको अभी जो प्राइस बेस मॉडल की आ रही है वो आ रही है 5,80,000, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। जैसे कि मैंने टाटा टिगोर में भी आपको बताया था कि 75,000 का पूरा ओवरऑल डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप डीजल गाड़ी लेते हैं, आप कैश एक्सचेंज और कॉरपोरेट डिस्काउंट को अगर ऐड कर लेते हैं तो। वहीं अगर ऑरा के बेस मॉडल की बात करूँ मैं आपसे, तो 5,75,000 होगा। अब आप कहेंगे कि BS6 गाड़ी है और 5,000 रुपये कम हो गया है,
लेकिन हमने ग्रैंड अटेन नियोस के साथ भी देखा था तो उसमें भी हमें 5,000 कम होके मिला था, जबकि इसमें भी हमें VS6 कंप्लाइंट पेट्रोल इंजन दिया जाता है। ऐसा कुछ इसका फ्रंट का पूरा आपको इंजन में देखने को मिलेगी, यही आपको सेम पेट्रोल इंजन होगा, लेकिन जो इसमें टर्बो इंजन दिया जाएगा वो तो बिल्कुल एक काफ़ी बढ़िया इसको कॉम्बिनेशन बना देगा। बाकी अगर हम ग्रैंड अटेन नियोस के डिज़ाइन की बात भी करते हैं तो फ्रंट का डिज़ाइन आप देख ही पा रहे होंगे, अभी काफ़ी अपीलिंग डिज़ाइन है, सेगमेंट अहेड है, काफ़ी लोगों को पसंद आ रहा है। ग्राउंड क्लियरेंस आती है इसमें 165 mm की, थोड़ी बढ़ाई नहीं जाएगी बल्कि सेम रखी जाएगी, कोई ज़्यादा चेंज नहीं किया जाएगा, सिर्फ आपको बूट को बढ़ा दिया जाएगा। जैसे हमें एक्सेंट में जो बूट मिलता है वो मिलता है 407 लीटर का, नियोस में हमें मिल जाता है 256 लीटर का, तो सेकंड रो में स्पेस भी बढ़ाई जा रही है और बूट स्पेस भी बढ़ाया जा रहा है, बाकी लेंथ भी थोड़ी बढ़ाई जाएगी नियोस से। तो नियोस काफ़ी ज़्यादा शानदार गाड़ी है, अगर आप देखेंगे फ्रंट का लुक तो ऑरा और नियोस का बिल्कुल सेम रहने वाला है, इंटीरियर्स का थीम भी बिल्कुल ही सेम रहेगा, बस बूट को बढ़ाया जाएगा और थोड़ा सा जो उसका लास्ट का सी पिलर है उसको फ्लोटिंग डिज़ाइन दिया जाएगा, जैसे कि आपने होंडा सिविक में देखा है, लैंट्रा में देखा है, वर्ना में देखा है, वही कुछ डिज़ाइन आपको मिलेगा। और अगर आप देख पा रहे होंगे इसके जो आपको बूमरैंग शेप्ड इसमें DRLs मिलते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लगते हैं, एक अप मार्केट गाड़ी लगती है। फॉग लैम्प्स के लिए भी देखिए हुंडई ने इसमें प्रोजेक्टर्स का यूज़ कराया है, और रूफ़ आप देख पा रहे होंगे एक बढ़िया से आपको देखिए इसमें रूफ रेल्स भी मिलती है, ये एक्सपेक्टेड है कि इसमें रूफ रेल्स को आपको नहीं ऑफर किया गया है। और फ्रंट का डिज़ाइन तो ऑरा नियोस बिल्कुल सिमिलर है, आप बिल्कुल भी इसमें डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे, वहीं टाटा टिगोर और टाटा वाली बात हो गई, दोनों ही सिमिलर रहेंगे। प्राइसिंग में आपसे डिस्क्लोज कर रहा हूँ कि 5,75,000 बेस मॉडल की प्राइस रहनी चाहिए मेरे हिसाब से, आप कमेंट करके बताइए आपको कितनी प्राइस लगती है, बाकी कल इसके लॉन्च इवेंट में तो लाइव आपको मिल ही जाएगा। 407 लीटर का बूट स्पेस एक्सेंट देती है, बढ़ाया नहीं जाएगा, बिल्कुल सेम रखा जाएगा, क्योंकि पहले वाली i10 और अभी वाली नियोस दोनों में 256 लीटर का बूट स्पेस आ रहा है। हुंडई नए प्लेटफॉर्म्स के साथ काम कर रही है, लेकिन वो डिज़ाइन कब तक इंडिया में आएंगे ये कोई बता नहीं सकता है अभी। बाकी फ्रंट का डिज़ाइन आप देख ही पा रहे होंगे, और हेडलाइट्स काफ़ी शानदार लगती है देखिए इसमें, जो आप इसको एक स्मोक्ड आउट ट्रीटमेंट कह सकते हैं या फिर एक मैट फिनिश भी मिल रही है आपको, जो आप देख पा रहे होंगे मैट फिनिश रिफ्लेक्टर्स में बहुत अच्छी लगती है। दूसरी ओर स्मोक्ड आउट ट्रीटमेंट देखें, बहुत डिटेलिंग पे काम करा है हुंडई ने, और हुंडई की अगर आप पेंट क्वालिटी देख रहे होंगे वो आपको शानदार लग रही होगी। फ्रंट की ग्रिल में आपको ग्लॉस ब्लैक पियानो फिनिश मिलती है, एक यूनिक लुक देती है, वहीं इसका कॉम्बिनेशन आता है क्रोम के साथ अगर आप वाइटर शेड लेते हैं गाड़ी में, और टायर साइज आपको 15 इंचेस के मिलेंगे जो कि इसको एक और शानदार लुक देते हैं। और ऑरा में आपको हुंडई की तरफ से ऑल न्यू अलॉयज का डिज़ाइन देखने को मिलेगा, ये भी इसको एक अपीलिंग लुक देता है, ये देखेंगे तो डिज़ाइन आपको वेन्यू से इंस्पायर्ड लग रहा होगा हल्का सा, काफ़ी बायर्स को ये बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है और काफ़ी लोग इसको पसंद नहीं कर रहे हैं, आप इसको कैसा मानते हैं ये मुझे ज़रूर बताइएगा। बाकी स्लोपिंग रूफ का जो सी पिलर में आपको डिज़ाइन मिलेगा ऑरा में, वो भी इसको काफ़ी शानदार बना देता है। आपको देख रहे होंगे क्रोम के जो आपको डोर हैंडल्स मिलते हैं काफ़ी अच्छे लगते हैं, ORVMs का डिज़ाइन सिमिलर कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा जो आपको ऑरा में देखने को मिलेगा। बाकी शार्क फिन एंटीनास, नियोस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया प्रोडक्ट है, और उससे भी खास बात यह है कि नियोस में भी आपको डिस्काउंट मिल रहा है, होने को ये एक BS6 गाड़ी है, ऑल न्यू 2019 की लॉन्चिंग है, फिर भी आपको इसमें डिस्काउंट मिल रहा है तो इससे बढ़िया कॉम्बिनेशन तो नहीं हो सकता है। तो यहाँ भी देखेंगे तो आपको देखिए पियानो ब्लैक पूरा एक सी पिलर में यूज़ देखने को मिलेगा, लेकिन जो ऑरा है उसमें आपको यहाँ पर काफ़ी बढ़िया सी स्लोपिंग रूफ जो आपको डिज़ाइन मिलेगा, एक कूपे डिज़ाइन उसे कह सकते हैं जो सेडान में आ जाएगा, और रियर का डिज़ाइन कुछ ऐसा है, लेकिन नियोस का जो ऑरा का डिज़ाइन है काफ़ी स्लिम होगा। बूट स्पेस जो नियोस में आपको मिलता है 256 लीटर का मिलता है, बाकी ऑरा का बूट स्पेस आपको 407 लीटर का बूट स्पेस मिलेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि एक्सेंट का भी इतना ही है। बाकी यहाँ से देखेंगे तो आपको, और ऑरा की एक खास बात यह है कि इसमें आपको ऑल न्यू LED टेल लाइट्स का यूज़ मिलेगा, जो फ्रंट का स्पॉइलर और ये डिज़ाइन है ये भी ऑरा में थोड़ा सा उठाया गया है। ये देखेंगे तो अगर हाई स्टॉप ब्रेक लैंप आप देख पा रहे होंगे, वॉशर वाइपर यूनिट ये उसमें नहीं आएंगी, सिर्फ आपको डिफॉगर मिलने वाला है, बाकी कैमरे की पोजिशनिंग यही होगी। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये जो आप इसका बैजिंग देख रहे हैं ये भी आपको ऑरा में देखने को ज़रूर मिलेगी, बाकी क्रोम का यूज़ काफ़ी अच्छा लग रहा है। और कलर ऑप्शंस की बात करूँ तो ऑरा में आपको एक रेड कलर ऑप्शन मिल रहा है जो कि बहुत ही खतरनाक लग रहा है, मैं उसे कहूँगा कि वो लावा ऑरेंज हो सकता है, बहुत बेहतरीन लग रहा है। तो ये मेरा कुछ एक छोटा सा रिव्यू आपके लिए मैं लेके आया हूँ, मतलब एक कंपैरिजन जैसा हमने कर दिया, एक आइडिया आपको दे दिया कि न्यू इसमें इंजन मिलने वाला है। बाकी माइलेज में आपको बताया था पहले कभी कि 19 का माइलेज आपको मिल जाता है इसके पेट्रोल इंजन के साथ जो कि 1200 cc का है, 17 का माइलेज ये
कॉम्बिनेशन में दे देती है और 24 इसका डीजल देता है और 16 से 17 का माइलेज इसका टर्बो इंजन भी आपको दे देगा। बाकी एक साउथ कोरियन कंपनी है, काफ़ी शानदार डिज़ाइन लेके आती है, स्पोर्टियर फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन और अगले कहा जा रहा है हुंडई की तरफ से, एक नेक्स्ट जनरेशन की डिज़ाइन फिलॉसफी होगी और एक्सेंट को डिसकंटिन्यू नहीं किया जाएगा, बल्कि एक्सेंट प्राइम के नाम से दूसरी गाड़ी लॉन्च की जाएगी जो कि आपको टूरिंग पर्पस या फिर कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ की जाएंगी। बाकी ये जो सारी टेक्सचर और ये फिनिश है ये ऑरा में सेम कैरी फॉरवर्ड की जाएगी, सिर्फ डिज़ाइन में चेंजेस आएगा टेल लाइट्स में और बाकी फ्रंट में कोई भी डिज़ाइन में चेंजेस नहीं है। रूफ को बिल्कुल स्लोपिंग कर दिया जाएगा, सेकंड रो में थोड़ी सी स्पेस को बढ़ाया जाएगा। बाकी एक सेडान और हैचबैक में क्या डिफरेंस होता है वो आप जानते ही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, मैं हूँ आपका दोस्त हर्षित, आपसे विदा लेता हूँ और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि ऑरा की वीडियो कभी भी आ सकती है जिसमें आपको पूरा फुल वॉक अराउंड इसका मैं दूंगा और एक काफ़ी अच्छी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। गुड बाय।